नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। क्रिकेट की दुनिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बॉल टेम्परिंग के मामले में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ियों को ICC ने सजा दी है। डेविड वॉर्नर और स्टीन स्मिथ को 1 साल इंटरनेशनल मैच खेलने पर पाबंदी लगाया है। वहीं कैमरून बेनक्रॉफ्ट को 9 महीना तक की पाबंदी लगाई गई है। बॉल टेम्परिंग के मामले में डेविड वॉर्नर बुरे फंस गए हैं। मास्टरमाइंड कहे जाने वाले वॉर्नर ही थे जिन्हें बॉल के हालत को बदलने के लिए कहा था, जिसके वजह से उनके लिए क्रिकेट में बड़ी बुरी खबर आई है। डेविड वॉर्नर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जूनियर खिलाड़ी को बॉल टेम्परिंग के लिए उत्तेजित करने के वजह से अब ऑस्ट्रेलियाई की टीम वॉर्नर को कभी भी कप्तान करने का विचार कभी नहीं सोचेगी। वहीं स्टीव स्मिथ के लिए इस बात पर खुशखबरी है कि उन्हें 12 महीने बाद पाबंदी हटने के बाद कप्तानी सौंपी जा सकती है। वहीं कैमरून बेनक्रॉफ्ट को भी 9 महीने बाद कैप्टन बनाने का विचार ऑस्ट्रेलिया टीम कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्टीव स्मिथ को वापस से ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बनाया जा सकता है?